मैग्नीसा, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? होपली सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे। और मैं फिट नहीं हूँ, मेरी थोड़ी सी तबीयत चल रही है डाउन। आपको पता ही कि हम होपली वाले प्रॉब्लम का तो आपको पता ही है कि महीने में हम लोग सिर्फ दस दिन ही ठीक रह पाते, अदरवाइज 10 दिन पहले का ले लो, 10 दिन बाद का ले लो, बस ऐसे ही चलता है। तो है और है, मम्मी पापा गए हैं सीकर, बस जस्ट निकले ही हैं। अब उनके निकलने के बाद दुर्वा सिंह उठ के आ रहा है अभी, तो उसको ना उठते ही दूध चाहिए होता, तो मैं बस उसके लिए दूध तैयार कर रही हूँ। आएगी तो उसको पिलाएंगे, और अभी तो सब्जी भी बनानी है, झाड़ू वाड़ू निकालनी है, सारे काम पड़ा भी करेंगे आगे धीरे धीरे। जो भी रहेगा पूरा दिन का रूटीन आपके साथ शेयर करती रहूंगी। मम्मी जी आज आपको लगभग दिखेंगे नहीं, क्योंकि वो शाम तक आएंगे। तो चलो फटाफट से दुर्गा के लिए दूध तैयार कर देते हैं। सो अभी मैं बना रही हूँ मंगोड़ी की सब्जी। आपको बता देती हूँ कि मैं मोस्टली मंगोड़ी की सब्जी कैसे बनाती हूँ। यहाँ पे ऑयल डाल दिया मैंने, जब ये गर्म हो जाएगा तो अपन को ना मंगोड़ियों को सेक लेंगे इसमें अच्छे से, मतलब हल्का हल्का भून लेंगे, और उसके बाद में आगे देखते रहना कैसे बनाती हूँ। सबसे पहले भूनने का काम करेंगे। तो अब क्योंकि मैं ज़्यादा तीन ही बनाई, तो मैंने थोड़ी सी मंगोड़ी ली है, मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही थोड़ी नहीं है। तो गाइस वो जो मैंने इसमें मंगोड़ियाँ थोड़ी सी फ्राई करी थी ना, वो मैंने इसमें कटोरी में निकाल ली है, और इसमें जैसे नॉर्मल सब्जी की तरह मसाला छिमक लिया, मैंने पहले ऑयल डाल दिया, फिर उसमें थोड़ा एक प्याज डाल दिए, फिर बाकी का मसाला डाल दिया है। अब आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आप शॉप से मंगोड़ी लेके आते हो तो वो बहुत बड़ी होती है, तो आपको थोड़ा सा उसको मतलब छोटा कर लेना है, कूट मार के है ना, तोड़ लेना है उनको। लेकिन हमारे तो घर पर बनी हुई है तो इनको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब ये पूरा मसाला पक जाएगा, इसमें पानी डाल देंगे जितना अपन को करना है गीला, फिर वो अच्छे से पानी जब उसमें मतलब उबल जाएगा ना, तब उसमें अपन मंगोड़ी ऐड कर देंगे, और ऐसे बन जाती है मेरी मंगोड़ी की सब्जी। तो ये मेरी सब्जी बन जाए, उसके बाद में मैं उधर बर्तन वर्तन क्लीन करूंगी, पट्टी क्लीन करूंगी, तब तो शायद दुर्गा के बाबा आ जाएंगे, बोलेंगे रोटी बनाओ, तो फिर उनके लिए रोटी बना देंगे। और आज तो झाड़ू में मेरी लेट होने वाली हूँ मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस टाइम मेरी झाड़ू निकल जाती है, बट तभी डाउन होने की वजह से मैं उठ नहीं पाई ना जल्दी, तो सारे काम डिफरेंस हो गया मेरा। और सब्जी बन के रहेगी, मैं पट्टी थोड़ा बहुत जता लेती हूँ, और फिर सो गाइस ये देखो, इस रूम की झाड़ू निकालने में मुझे सबसे ज्यादा जोर आता है, क्योंकि इसी रूम की हालत सबसे ज्यादा बच्चों ने खराब करके रखी हुई होती है, बहुत जोर आता है। पूरी बेडशीट झड़काऊंगी, सब कुछ उठाऊंगी, बिस्तरों को इधर करूंगी उधर करूंगी, बहुत टाइम लग जाता है। तो देखो यार कचरा बाहर तक आ रखा, फटाफट से इसकी मैं झाड़ू निकालती हूँ, इसकी क्या मतलब पूरे घर की निकालेंगे, और पूरे घर की फटाफट से मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ। मैं हमेशा जल्दी झाड़ू निकालती हूँ ना, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं लेट हूँ, मुझे 1% समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। ये देखो यहाँ पे ये रेस्ट कर रहे हैं, दिख रहे नहीं है, दिख रहे हैं थोड़े बहुत, उधर बच्चे हमारे खेल रहे हैं दोनों। इधर आ जाओ ना दोनों, यहाँ पे खेलो, वहां पे मत खेलो मिट्टी में, इधर आ जाओ, हाँ यहाँ पे खेल लो दोनों, दूर आ जाओ बेटा, उधर नहीं जाओ बार बार। तो अब दुआ के बाबा के लिए रोटी बनाएंगे, फिर नहाएंगे धोएंगे, झाड़ू हमारी निकल गई है। हिना भाई सा क्या कर रहे हैं? ये कर रहे अपना ब्लॉग एडिट। लाइट गई? लाइट नहीं है गाइस।
लॉग एडिट कर रहे हैं हो गया अब अपलोड पे लगेगा, अपलोडिंग पे लगेगा। आप हम तो जाओ जल्दी आधे एक घंटा में, मम्मी ना रूम आ लो खुद आओ तो। अच्छा आधे घंटा तुम नहीं, कभी कभी तो 10 मिनट है मेरा ही नहीं चलता पता नहीं। तो एयरटेल की तो सेम है मम्मी वाली, तो फिर मारी एयरटेल की फोन चल, हमारी सिम फाइव जियो भी चल रहे थे, एयरटेल भी चल रहे हैं, तो कोई सी फोन चला गया था कहीं प्रॉब्लम हो गई। तो अभी अपन बना देते हैं दुर्गा के बाबा के लिए 5-6 रोटी, बाकी की तो मेरी भी नवाई साहब, हम दो ही है तो बाद में बना लेंगे। और तो खाना बना के नहा के डायरेक्ट नहा धो के मिलूंगी आपसे, है ना, ऐसे तो मैं लेट होती जाऊंगी बार बार ब्लॉगिंग करूंगी तो नहा लेंगे खाना बना के, थोड़ी शक्ल भी ठीक लगेगी ब्लॉग में। सो गाइज अभी नहा धो के हो चुके हैं रेडी, रेडी एंड रेडी। रेडी का मतलब बस ऐसे ही पता है ना, थोड़ा बहुत तो रेडी होके ही रहना पड़ता है, ब्लॉगिंग का काम रह गया है डेली डेली, और फिर थोड़ा सा अच्छा भी लगता है अगर आप तैयार होके रहो तो, खुद को ही अच्छा लगता है। और पापा से मैंने लगा लिया आज वॉशिंग मशीन, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरे से हाथ से कपड़े धुल ही नहीं पाते हैं, तो एक तो जोड़ी दुर्गा के हो गए थे, एक जोड़ी बाबू के हो गए थे, एक उसके बाबा के हो गए थे, एक मेरा खुद का, फिर मैंने सोचा मैं भी इसी में डाल देती हूँ। बाकी काम तो सारा हो चुका है और दुर्गा को छोड़ के आया ही ना भाई सब बुआसा के घर, वो वहाँ पे थोड़ी देर खेलेगी, तब तक मेरा काम फिनिश हो जाएगा। और इसके अलावा ना मैंने आपको एक बार दिखाया था ब्लॉग में कि बुआसा को मैं बोल रही थी मुझे खाना खिलाओ, मैं उनके पीछे पड़ी हूँ कब से, तो आज उनका आया है न्योता कि भाई ठीक है आज तू और हिना भाई साहब यहीं पे खा लेना। तो वैसे तो हमने खाना बना लिया है घर पे, मैंने आपको सुबह दिखाया ही था, लेकिन अब वो बोल रहे हैं तो कोई नहीं चले जाता है। वैसे तो मैं उनसे बस मजाक कर रही थी, मतलब उनको चिढ़ाना अच्छा लगता, ऐसा होता है ना कि अपन किसी को चिढ़ाते रहते हैं तो वो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। तो आप लोग ये मैं सोच रहे हैं कि वो मेरे बुआ साहब मुझसे इतने बड़े तो मैं उनको क्यों चिढ़ाती हूँ, बट उनका और मेरी जो बॉन्डिंग है ना वो मतलब लगता ही नहीं है मेरे को कि वो मेरे बुआ साहब है, तो काफ़ी अच्छी हमारी बॉन्डिंग है। तो मैं उनको ऐसे ही चिढ़ाती रहती हूँ, हंसी मजाक करते रहते हैं, वो भी मेरे को ऐसे ही चिढ़ाते रहते हैं हमेशा, तो ऐसी है। तो बस सभी कपड़े धुल जाएंगे, उसके बाद में चलते हैं बुआसा के घर पे, क्योंकि नवाई साहब भी तैयार हो चुके हैं नहा धो के, मैं भी रेडी हूँ, दुर्वा तो वहाँ पे पहले से है ही, नल बंद कर देती हूँ। कपड़े तो बस धुल चुके हैं, इनको सुखाना बाकी है तो मैं सुखा देती हूँ, और मम्मी पापा वो शाम तक आएंगे, अभी तो शायद वो पहुंचे होंगे, सीकर गए हैं वैसे शायद, मैंने आपको पता नहीं बताया होगा, नहीं बताएगा तो पापा जी को तो कोई काम था इसलिए वो गए हैं सीकर, और मम्मी उनके साथ में चले गए क्योंकि आना मम्मी के एक बुआसा रहता है सीकर में, तो मम्मी को उनसे मिलना था। तो एक बार पहले भी पापा गए थे तब उनका मन हुआ था जाने का, लेकिन उस दिन लेट हो गए थे नहीं जा पाए थे, तो आज मम्मी ने पहले से प्लान कर लिया था कि ठीक है मैं भी चलूंगी, तो मम्मी उनसे बस मिलके और शाम तक पापा जी उनके साथ में वापस आ जाएंगे। तो बस आधा दिन तो वैसे भी निकल गए, थोड़ा टाइम और निकल जाएगा फिर मम्मी और सब आ जाएंगे, तो अपन अपना काम करते हैं। बस हो गया काम, तो बस कपड़े सुखा देती हूँ मैं, फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइस हम लोग अब निकल रहे हैं खाना खाने के लिए, जा रहे हैं, धूप हो गई है बहुत तेज, जाके देखते हैं हमें क्या मिलता है खाने को। तो हम लोग आ गए खाना खाने के लिए, अट्टे एक बड़ी मम्मी बुलाया गया। अच्छा आज मैं कहना बड़ी मम्मी को श्राद्ध है जनाब, आया मैं जिम्बा जिम्बा तो गए हैं, मतलब कि बहुत सला ही सोचा वाकई की घर आई है छोरी लाना जिम्बा दया नहीं कटे, वो जो मन में ही रिज लिया ते वाकन चर्चा करी हूँ लिया भी ब्लॉग देखे वाला। अच्छा और काई सही है, ये खेल रहा है देखो दुकान की खेल रही है। गाइस फाइनली खाने का टाइम हो गया है, बनाया है फ्री हुई है, अब खाएंगे, देखो क्या क्या बना है। ये है सूजी के लड्डू, ये है मंगोड़ी की सब्जी, आलू की सब्जी, खीर, पूड़ी। तो भूख लग गई है बहुत जोर से, खा लेते हैं मैं और बिन्नी। ठीक है खा लेते हैं फटाफट, फिर मिलते हैं आपसे। कुरकुरू नहीं लाए, कुरकुरू नहीं बादाम लाए, बादाम आप खाते हो नहीं खाते हो?
नहीं खाते तो क्या लाए हो? ये बेटा ये ऑयल है ना, लगवा के ले, वो शैम्पू है ना, क्या दूध लाई हो नानी? आप तो आते रोने लगे और इसको रुला रहे हो ना? हाँ थोड़ी देर रुक गया वाला भागन तो एक देर हुई होली आज नानी अच्छा से बन अच्छा अच्छा बादाम है ये बादाम बादाम है क्या है कुरकुरी तो जान बूझ के नहीं लेते अच्छा नहीं रहता ना सही बात है गर्मी कत्ती हो रही है दोबार अच्छा ये देखो अच्छा ठीक है वो आ गई है ओके ओके ठीक है ये मंगाया है नया शैम्पू हिना भाई साहब ने तो गाइस मम्मी आ गए हैं मैंने आपको मिलवा दिया मम्मी से ज्यादा लेट तो नहीं मुझे लगा शायद रात हो जाएगी उनको आने में बट आ गए हैं जल्दी ही टाइम पे थोड़ी सी मिल ली थोड़ी सी बातें कर ली चाय पानी पिया है और अब बनाएंगे सब्जी तो आज मैं बनाने वाली हूँ ग्वार के लिए सब्जी तो मैं रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ आज क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं है मतलब सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं तो मैं मेरा जो तरीका है उस तरीके से बना दूंगी जरूरी नहीं कि मैं जिस तरीके से बना रही हूँ वैसे सही बनती है या बाकी लोग कैसे बनाते हैं मुझे कुछ आइडिया नहीं है मैं सारी सब्जियाँ ऐसे ही बनाती हूँ जैसे मन करता वैसे डालती जाती हूँ फटाक से बनाते हैं ग्वार के लिए सब्जी और तैयार कर लेते हैं खाने की क्योंकि इस टाइम लग जाती हूँ मैं खाने पर 5 बजे के आसपास तब जाके हमारा खाना 7:30 बजे तक बन के फ्री हो जाते हैं सब्जी बन गई है आटा लग गया और अब आई है हमारी चार हम बातें करने लग गए थे कौन की चुगलिया करा सच्ची सच्ची बताओ ऑन कैमरा नहीं कैमरा देखो सही जगह छाछ पी लोगे हमने कौन कर गया मम्मी आ जाओ तुम सर आ जाओ तुम सर थैंक यू भाई कौन है थैंक यू तो ही भाई सर सिंह भाई साहब ऊपर दिखे मम्मी अठी था हां तो अठे ही घर है पण अठन बटी नहीं घर दिखे ला जाए ले ले आजा 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 कोई नहीं हूं मिट्टी खा जा रे पाक ले ना मिट्टी मुंह में खा ले नहीं खा ले नहीं खा बांदरी मीश अब बात किसी बांदरी को आराम आना नहीं बांदरी तो बहुत सुंदर है सुंदर बांदरी है तो श्राद्ध में यार लड्डू बांट दे सिर्फ बड़ी मम्मी का श्राद्ध में नहीं जिम्मा से जाकर जिम्मा शुभ है मन जने लाडू ले रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं करो ऐसा तो खाया अच्छा बेटा यहाँ का उसमें बड़ा सिंह इधर आ जाओ बेटा दो
गाइस यहाँ पे बुआ से आ चुके हैं, मम्मी से कर रहे बातें, पूछ रहे हैं कोई जल्दी बोलिए कुड़ मिल रहा है और खूब सारी बुआसा समाचार पूछ रहे हैं आगे बुआसा का। और यहाँ पे सब लोग बैठे हैं शाम को, देखो मच्छर खाए जा रहे हैं हम सबको। ये नीनू जी आप बताओ कि ये सूखले लग रहे हैं क्या? ये बिल्कुल भी सूखले नहीं लग रहे, आते नहीं है ब्लॉग में, इनको तो जबरदस्ती लेना पड़ता है। देखो कितने सुंदर तो लग रहे हैं ये, बताना जरूर कमेंट करके। ऐसे ही सुंदर लगता है लिपस्टिक, उल्लू बनाता है सबको। बताना कमेंट करके, बताना है ना, अगर अच्छे लग रहे हैं तो फिर आएंगे मेरे ब्लॉग में। एक तो जरूर आऊंगी बिना तैयार हुए। दोनों की बना रहे तुम। ओके 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 ओके, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। ओके ये देखो मैचिंग मैचिंग हो रहा है, कंट्रास्ट मैचिंग, कंट्रास्ट मैचिंग हो रहा है, आपा भी हो रहे हैं, सब मैचिंग हो रहे हैं आपा। सो गई बातें, जाओ मैं तो रसोई में रोटियां सेक लिया। चलते अभी चलते हैं किचन में रोटी बनाने के लिए। और इनको मैं कब से बोल रही हूँ मुझे कुछ आइडिया दे दो कंटेंट के लिए, मतलब ब्लॉग में व्यूज नहीं आ रहे नॉर्मल वाले ब्लॉग में, बट ये इनके पास टाइम नहीं है। मैंने कंटेंट तो मैंने भी सोचा हुआ है लेकिन टाइम नहीं मिलता, पता नहीं क्यों। सोची पूरी फैमिली के साथ कुछ शूट करूँ बट वो चीज़ें हो ही नहीं पा रही है। अब मैं जाऊँगी किचन में खाना बनाऊंगी ना, अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी शायद देखो है अभी हो रहा है 6:15, 8:30 बजेंगे तब निकलूंगी बाहर, फिर खाएंगे पियेंगे फिर वापस हो जाएंगे। बस ये रूटीन रहता है हमारा, सबका ही रहता है, लेकिन सबको जरूरत है, मेरा भी रहता है लेकिन सबको जरूरत नहीं रहती ना, उनके पास यूट्यूब चैनल नहीं है ना, तो मुझे तो ये भी करना है। सब्जी मस्त वाली खुशबू आ रही है आज तो, खाने में भी अच्छी हो आई होप। आज मैंने थोड़ी अलग तरीके से बनाई है, देखो बुआर फली की सब्जी, ये देखो आप लोग अच्छी खुशबू आ रही है। तो फटाफट से रोटियां सेकती हूँ मैं, फिर मिलती हूँ आपसे, है ना, बस यही चलता रहता है। सोचेंगे कुछ नया कंटेंट आपके लिए, कुछ न्यू लेकर आएंगे, बट कब लेकर आऊंगी उसका कोई आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन बस बोल रही हूँ कि हाँ लेके आऊंगी। सोच रहे हैं कुछ टाइम से कि मैं कुछ नया लेके आऊँ आप लोगों के लिए, तो लाऊंगी जरूर, अगर मैंने सोचा तो मैं डेफिनेटली लेकर आऊंगी कुछ ना कुछ नया।